महिला बाल विकास के तहत महानगर पालिका एवं पुलिस विभाग की ओर से गुड टच एवं बैड टच की जानकारी आंगनवाड़ी महिलाओं को दी गई थी, जिससे समर स्पर्श को जन जन तक पहुंचाया जाए। महानगर पालिका की आंगनवाड़ी की महिलाएं शहर के घर घर में जाकर कुपोषण एवं मातृत्व वंदन योजना के बारे में जानकारी देती है। यही महिलाओं की ओर से घर घर जाके छोटे बच्चों एवं उनके अभिभावकों को गुड टच एवं बैड टच की जानकारी दी जाए, उस उद्देश्य से महानगर पालिका और पुलिस विभाग की ओर से कमाटीबाग प्लेनेटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समर स्पर्श के तहत सभी महिलाओं को जानकारी दी गई थी। माननीय मेयर श्रीमती जी, आज हमें कमाटीबाग प्लेनेटोरियम में गुड पर्स और बेड पर्स ने समझ लेवा माटे आव्या हता। जे बाळकों ने अमे आंगणवाड़ी में जाइने बाळकों ने अने तेमनी माताओं ने समझ आपवानी छे के अमारे समझ आपवानी छे के बाळकों ने कई रीतना जागृत करवाना छे अने बाळकों ने कई रीतना बधी समझ आपवानी छे के कोण के रीतना स्पर्श करे छे, कोनो स्पर्श सारो छे के खराब छे एनी समझ आपवानी छे। इस वक्त शहर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत और मेयर जिगीसाबेन सेठ के हाथों से सुरक्षा सूत्र कार्ड का विमोचन किया गया। हमने छोटे बच्चों के प्रति जो बनता गुना, जो चाइल्ड अब्यूज केसेस होते हैं, इसको रोकने के लिए और लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए ये समझ स्पर्श का प्रोग्राम बड़ौदा शहर पुलिस तरफ से लगभग पिछले जो एक सालों से चलाया जा रहा है, और उसके तहत अलग अलग स्कूलों में जाके स्कूलों में जो बच्चों को बताया जाता है कि आपको अगर आपके साथ कोई टच करता है, इसमें गुड टच और बैड टच का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई छूता है कैसे, अगर आपको करता है तो आप क्या क्या आपका अंग छुए, कि आपको इमीडिएट अपने पेरेंट्स को बताना है, अपने एल्डर्स को बताना है, टीचर्स से उनको बताना है, जिससे कि कोई अगर इस तरह कोई आपके साथ कोई छेड़ती करना चाहे तो ये सब जो चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो इमीडिएटली आपके पेरेंट्स के नॉलेज में आएगा, इमीडिएटली पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिले तो हम उसको जो करेक्टिव मेजर इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। तो इसको ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अलग अलग जगह हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। अभी आंगनवाड़ी जो महानगर पालिका बड़ौदा शहर की है, आंगनवाड़ी के जो अपने बहनें होती हैं वो जल्दी बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं, तो आज एक कार्यक्रम में उनको बड़ौदा महानगर पालिका और पुलिस के साथ मिलकर उनको भी एक ट्रेनिंग दी जा रही है।